अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स कैरियर अपडेट यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का वेलकम है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप की, जो कि मैट्रिक से लेकर पीआईडी स्टूडेंट के लिए है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जॉब्स कैरियर अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलें जी बात करते हैं फर्स्ट नेशनल टैलेंट ओलंपियड स्कॉलरशिप की। मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट है, यानी कि आप लोगों का टेस्ट होगा और जो टॉप के स्टूडेंट होंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। मैट्रिक से लेकर पीआईडी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तीनों कैटेगरी का स्टूडेंट जो है ना ये अप्लाई करेंगे। तीन कैटेगरीज हैं, मैट्रिक और इंटर की एक कैटेगरी है 50% मार्क्स, बैचलर मास्टर की आपकी एक कैटेगरी है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और एमएस, एमफिल और पीआईडी की तीसरी कैटेगरी है 50% मार्क्स होने चाहिए। 1 मिलियन की स्कॉलरशिप है। लास्ट डेट दरख्वास्त जमा करवाने की 19 अक्टूबर 2022 है। पाकिस्तान के तमाम सरकारी, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो तलबा और तालबात हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें होंगी। नेशनल लेवल पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात को कैश स्कॉलरशिप, मेडल और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उसके बाद शिरकत करने वाले जो तमाम तलबा और तालबात हैं उनको ऑनलाइन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। दरख्वास्त फॉर्म आपको www.nta.org.pk वेबसाइट से भी मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ, समझा देता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाए। ये वाला फॉर्म है, ये आपने फिल करना है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग अप्लाई करवाना चाहते हो, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप लोग करवा सकते हैं। उसके बाद इसकी फ़ीस है 380 रुपये। अब बात करते हैं सिलेबस की। तीनों कैटेगरी का जो सिलेबस है ये थोड़ा थोड़ा जो है ना ये मार्क्स डिवीजन में फ़र्क है। कैटेगरी वन का जो है इंग्लिश, इस्लामियत, ये MCQs आप लोगों को आने हैं, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी टू जो है उसके अंदर भी आपको इंग्लिश के 20, इस्लामियात के 20, ये सारे जो है ना ये MCQs है, यानी कि इतने इतने MCQs आने, एक मार्क्स का एक MCQs होना है। ये तीसरी कैटेगरी है MS, MPhil, PhD की, इसमें इंग्लिश के 15, एवरीडे साइंस 15, जनरल नॉलेज 10, इस्लामियात 10, करंट अफेयर 15, IQ 15, रिसर्च मेथडोलॉजी 20। ये आप लोगों का सिलेबस होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फॉर्म आप लोगों को ये मिल जाएगा वेबसाइट पर जाके, NTA की वेबसाइट पर सर्च कर लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। जॉब्स करियर अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।